दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीवी की अभिनेत्रियां जब अपना करियर बनाने के लिए इस माया नगरी में कदम रखती हैं, तो उन्हें हमेशा ही लीड रोल दिए जाते हैं, जिसे वो अपने सीरियल में करके काफी कम समय में टीवी के टॉप एक्ट्रेस में अपना नाम दर्ज करवा लेती हैं। पर कहा जाता है ना कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही हुआ है टीवी की कई अभिनेत्रियों के साथ, जिन्हें एक समय टीवी के सीरियल्स में लीड किरदार दिए जाते थे, तो वहीं वो अभिनेत्रियां सपोर्टिंग रोल करने पर मजबूर हो गई हैं। तो आखिर क्यों लीड रोल निभाने वाली उन एक्ट्रेस को आज साइड रोल मिल रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसी सवाल का जवाब देते हुए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जो पहले लीड रोल निभाया करती थी और आज उन्हें क्यों सपोर्टिंग रोल निभाने पड़ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो फिर आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ। नंबर 1, संगीता घोष। एक्ट्रेस संगीता घोष ने सीरियल देश में निकला होगा चांद में पम्मी के किरदार के साथ टीवी पर 5 साल तक लोगों का खूब मनोरंजन किया था, और इसके बाद इन्होंने मेहंदी तेरे नाम के और संभव असंभव जैसे शोज में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया। पर समय समय के साथ इनके करियर में गिरावट आ गई थी, इसलिए इन्हें लीड की जगह सपोर्टिंग रोल ऑफर हुए, जिन्हें स्वीकार कर इन्होंने करियर को बनाए रखा हुआ है। बता दें, इन्होंने सीरियल रिश्तों का चक्रव्यूह में सुधा का साइड रोल निभाया, पर बाद में दिव्य दृष्टि सीरियल में पिशाचिनी का साइड नकारात्मक किरदार निभाने तक को मजबूर हो गई थी। नंबर 2, श्वेता तिवारी। घर घर में कसौटी जिंदगी की प्रेरणा के किरदार से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपने इस लीड रोल के साथ 8 सालों तक लोगों का मनोरंजन किया, जिसके बाद इन्होंने कई शोज में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर अपने करियर से ब्रेक ले लिया था। पर जब टीवी पर दोबारा वापसी की तो उन्हें शोज में लीड रोल नहीं मिल रहे थे, जिससे काफी निराश हो गई। पर ये अपने करियर को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए सपोर्टिंग रोल करने के लिए मजबूर हो गए। फिर इन्होंने बेगुसराय और बालवीर जैसे कई शोज में बतौर सहायक अभिनेत्री काम किया था। नंबर 3, नारायण शास्त्री। पिया का घर, कहानी सात फेरों की और कोई अपना सा जैसे शोज में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम करने वाली एक्ट्रेस नारायण शास्त्री को भी आज साइड रोल मिल रहे हैं, जिसके पीछे की वजह है इनकी बढ़ती उम्र, इसलिए तो उन्हें अब दर्शक लीड रोल में नहीं देखना चाहते, और यही वजह है कि अब इन्हें शोज में माँ के साइड रोल मिल रहे हैं। इन्होंने रिश्तों का चक्रव्यूह, कर्ण संगिनी और पिया रंगरेश जैसे शोज में बतौर सहायक अभिनेत्री काम किया है, और आज आपकी नजरों ने समझा शो में ये दर्श की मम्मी का साइड रोल निभा रही है। नंबर 4, पारुल चौहान। पारुल चौहान टीवी के एक जानी मानी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिन्हें आप बिदाई सीरियल की रागिनी के रूप में जानते होंगे, जो उस शो का लीड किरदार था। पर आज इन्हें भी साइड रोल मिल रहे हैं, जिसके पीछे की वजह है कि अब इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस आ गई है, इसलिए दर्शक अब उन्हें नहीं बल्कि नई एक्ट्रेस को लीड रोल में देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज इन्हें साइड रोल मिल रहे हैं, जिन्हें स्वीकार कर इन्होंने मेरी आशिकी तुमसे ही में आरती का किरदार निभाया, और आखिरी बार ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में स्वर्णा का साइड किरदार निभाती हुई नजर आई थी। नंबर 5, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का सीरियल में सिमर का लीड किरदार निभाकर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक घरेलू नाम बन गई थी, इसलिए तो आज भी दर्शक इन्हें इस किरदार के लिए याद करते हैं। पर लीड किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आज अपने ही सीरियल के सीजन 2 में साइड रोल निभा रही है, क्योंकि इन्हें साइड रोल ही ऑफर हुआ था, जिसके पीछे का कारण है मेकर्स, जो अपने शो में नई सिमर दिखाकर अपने शो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। पर इनके बिना शो इंटरेस्टिंग नहीं होता, इसलिए इन्हें साइड रोल दिया गया और इनका लीड रोल दूसरी एक्ट्रेस को दे दिया गया था। नंबर 6, कृतिका सेंगर। एक्ट्रेस कृतिका सेंगर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि कसम तेरे प्यार की, पुनर्विवाह और झांसी की रानी जैसे कई शोज में लीड रोल कर चुकी हैं। पर हाल ही में आपने देखा होगा कि छोटी सरदारनी सीरियल में ये साइड रोल निभाती हुई नजर आई थी, जिसके पीछे की बड़ी वजह है कि शो के मेकर्स को अपने लिए एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए थी साइड रोल के लिए, जिससे शो की TRP और बढ़े, इसलिए तो इन्हें चुना गया, और ये भी अभी फ्री थी तो इन्होंने भी साइड रोल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों, आप इनमें से किस एक्ट्रेस को फिर से लीड रोल निभाते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।